प्रोफाइल प्रोजेक्टर है, जो आपका प्रोफाइल प्रोजेक्टर है उसको किसी स्क्रू थ्रेड की पिच मेजर करने के लिए, डेप्थ मेजर करने के लिए किया जाता है। अब हमारे पास ये आपका प्रोफाइल प्रोजेक्टर है, प्रोफाइल प्रोजेक्टर के अंदर यहाँ ये आपका मैग्नीफाई ग्लास है, नीचे से जो आपकी लाइट है वो मैग्नीफाई ग्लास के ऊपर आती है, जो जहाँ के ये वर्किंग टेबल भी बोलते हैं इसको, इस वर्किंग टेबल के ऊपर वर्क पीस लगा होता है, थ्रेड वाला आपका वर्क पीस लगा दिया जाता है, वर्क पीस यहाँ लगा होता है तो ये वर्क पीस आपका यहाँ दिखाई देगा, यहाँ ये आपका स्पष्ट हो जाएगा यहाँ मैग्नीफाई ग्लास के कारण। उसके बाद एक्स और वाई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन के अंदर ये चलता है, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर और वाई डायरेक्शन के अंदर इसका यूज हो रहा है। यहाँ इसकी जो आपकी पिच है, पिच बता दी जाती है, कितनी पिच रीडिंग आ जाती है, कितना पिच चल गया ये, ठीक है। ये आपके पास देखो, ये आपके पास थ्रेड वाला वर्क पीस लग गया है, इसको ये आपका लाइन से सेट कर दिया। यदि आप एंगल निकालना चाहते हो तो एंगल के लिए इसको रोटेट किया जाता है। जैसे अब आपके पास यहाँ सेंटर पॉइंट से लग गया, ये देखो मैंने ये सेट कर दिया है, यहाँ सेट कर दिया। अब एंगल निकालना चाहते हैं, एंगल निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ शून्य देख लिया जाता है, ये जो शून्य लाइन है कहाँ टच है, यहाँ शून्य लाइन को चेक कर लिया जाता है, और शून्य लाइन टच होने के बाद इसको फिर घुमाया जाता है, यहाँ से कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं, ये 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक के, इसके अंदर 10 भाग है, जैसे 10 20 30 कंटिन्यू ऐसे रोटेट होता हुआ चलता है, 360 डिग्री तक एंगल निकाल देता। अब यहाँ से इसकी गणना करोगे आप, यहाँ से गणना करते हुए ये जीरो से यहाँ से गणना करते हुए इसको घुमाते हो, जैसे ये घुमा दिया है आपने, ये घुमा दिया, यहाँ ये शून्य आपके मिल चुकी है, यहाँ से गणना करते हुए चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इसके बीच में है, 18 और 10 इसके बीच में है, 18 और 10 28, ये जो आपका इसका एंगल 28 दो और बढ़ गया, ये 30 डिग्री आपका इसका एंगल है। इस प्रकार से इसको एंगल निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसका पिच कैसे निकाली जाती है, देखो इसको सेट करके जिस दौरान पिच निकाला जाता है तो एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, ये आपका एक्स डायरेक्शन